दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार देखने को मिल रही है। जी हाँ, आसपास सब कुछ गायब नजर आया और ट्रेन और फ्लाइट्स भी लेट हो गई। दिल्ली एनसीआर कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। कोहरा इतना घना जैसे आसपास सब कुछ गायब हो गया। मौसम विभाग की अगर माने तो आज बारिश हो सकती है, जिसके बाद बड़ी करवट ले सकता है। दिल्ली एनसीआर आज कोहरे की मोटी चादर में दिखा। सुबह की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ शीत लहर देखने को मिली। बाहर का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसपास सब कुछ गायब हो गया हो। विजिबिलिटी इतनी कम कि एक मीटर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था। कोहरे का असर फ्लाइट्स और रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे मौसम का मिजाज भी बदल सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग जीरो रही। हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने स्थिति को और खराब कर दिया। कोहरे ने फ्लाइट सेवा पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि ऐसी उड़ानों में दिक्कत आ सकती है जो CAT 3 के अनुरूप नहीं है। यात्रियों से अपडेटेड फ्लाइट की जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करने का आग्रह किया गया है, जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, तो यात्री कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर ही बैठने को मजबूर है। नहीं, 3 घंटे डिले। अच्छा, कितने बजे वहाँ से आना था? यहाँ वहाँ पे आने, वहाँ से आना था 2 बजे और अब आई है 6 बजे। दिल्ली में जगह जगह लोग कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव के आसपास हाथ सेकते, सर्दी से बचाव करते नजर आए। गिरते तापमान से न केवल आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि रोजाना आना जाना भी एक चुनौती बन गई है। कोहरे की घनी परत के कारण दिल्ली आने और यहां से जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लाल किला के आसपास रहने वाले लोगों ने मौसम के बदले मिजाज की वजह से बस सेवाओं में देरी और कुछ मामलों में सार्वजनिक परिवहन की गैर मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई है। बात अगर ये की जाए कि कितने सेल्सियस पर पारा है, तो दिल्ली के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह कोहरा रहा। तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 100% दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सोमवार को 22.6 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन आज कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो नजर आई और शीत लहर का प्रकोप देखने को मिला।